करते हुए कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया है इंदौर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया है। कंप्यूटर बाबा के अलावा उसके 6 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बाबा के साथ ही उनके 6 और साथियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कंप्यूटर बाबा ने इंदौर के मोंटीगिरी स्थित आश्रम को अवैध रूप से बनाया था, जिस पर प्रशासन ने 2 महीने पहले नोटिस भेजने के बाद अब गिरफ्तारी की है। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोंटीगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण की कार्यवाही की। वहां पहुंची नगर निगम की टीम ने 46 एकड़ की जमीन के हिस्से पर बने 2 एकड़ के पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा को अवैध आश्रम का निर्माण करने पर 2 महीने पहले ही नोटिस से थमाया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने अवैध कब्जे वाले हिस्से को ढहा दिया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। तो इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कंप्यूटर बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। प्रशासन और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मोंटीगिरी स्थित आश्रम को ढहा दिया गया है। 46 एकड़ जमीन में बना है बाबा का ये आश्रम। 2 महीने पहले नोटिस भेजा गया था और अब गिरफ्तार कर लिया है। सीधे हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, कंप्यूटर बाबा गिरफ्तार किए गए हैं, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल राजेश जी, आज कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम पर जो है पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है। पिछले 2 महीने पहले भी गोमटगिरी पर जिस तरह से गौशाला को लेकर भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन कंप्यूटर बाबा ने वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था। अपना एक आशियाना सुख सुविधाओं से लज्जित वहां पर अपना आशियाना बना लिया था, उसको लेकर पिछले 2 महीने पहले नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन किसी तरह की कंप्यूटर बाबा द्वारा वहां पर अपने अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद आज जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो है कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पर फोर्स लगाया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं हो, लेकिन कंप्यूटर बाबा सहित उनके साथियों द्वारा विरोध करने पर उनको अभी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। राजेश जी, क्या क्या अशरफ जिस तरह से पहले उनके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कंप्यूटर बाबा को आज सुबह ये गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से नगर निगम प्रशासन जिला प्रशासन की संयुक्त टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो कंप्यूटर बाबा और उनके साथियों द्वारा जो है कार्रवाई का विरोध किया गया। इसके बाद जो है कंप्यूटर बाबा सहित उनके साथियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अगर कुछ अतीत में जाते हैं तो कंप्यूटर बाबा ये वही है जो बीजेपी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जो अपना समर्थन देते थे, शिवराज सिंह चौहान के गुणगान गाते थे, लेकिन अचानक से कंप्यूटर बाबा का बीजेपी से मोहभंग हो जाता है। ये वही बीजेपी से मोहभंग होता है जिन्होंने इनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन अचानक से इनका मोहभंग हो जाता है और अपना पाला बदलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और अगर हाल ही में उपचुनाव की बात की जाए तो 28 विधानसभा के उपचुनाव जहां पर हुए वहां पर इन्होंने लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाली थी, लेकिन जिस तरह से यहां पर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, 2 महीने पहले इनको नोटिस भी दिया गया था लेकिन इनके द्वारा अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा इनके अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। राजेश जी, क्या क्या अशरफ जिस तरह से 46 एकड़ जमीन की बात आ रही है कि जो उनका आश्रम था 46 एकड़ जमीन पर फैला हुआ था, और पहले जिस तरह से वो बीजेपी के करीब रहे, फिर कांग्रेस में रहे और कांग्रेस ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया, क्या ये जमीन में लगातार जो बढ़ोतरी हुई है वो कांग्रेस के शासन में हुई है या बहुत पहले से ये उनका आश्रम रहा है? बिल्कुल राजेश जी, अगर बात करें कंप्यूटर बाबा के आश्रम की तो पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में
बीजेपी की सरकार और नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी का महापौर ही काबिज रहा है। ऐसे में कंप्यूटर बाबा का जो आश्रम की बढ़ोतरी हुई वो बीजेपी के शासन में ही हुए, बीजेपी के काफी करीब ही रहे, बीजेपी ने इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था, लेकिन अचानक से इनका बीजेपी से मोहभंग हो गया और कांग्रेस पार्टी के वे करीब हो गए। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको जो है राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के विधायक जो क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल, उनके द्वारा भी लगातार विरोध किया गया कि कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर किसी तरह की कार्रवाई न हो। कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार उनके साथ में खड़े रहे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इनको नोटिस दिया गया था अवैध अतिक्रमण को लेकर, और इनको अवैध अतिक्रमण हटाने की लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरह का वहां पर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज सुबह से कार्रवाई चल रही। राजेश, तो क्या क्या अशरफ, जितनी ये जमीन है जिसको अवैध माना जा रहा है, ये जमीन 46 एकड़ पूरी अवैध है कि कुछ हिस्सा उसका है और उसी को ढहाया और गिराया गया है, उसी पर कार्रवाई हुई है? राजेश जी, अगर अवैध अतिक्रमण की बात की जाए तो ये 46 एकड़ जमीन गोमटगिरी जो कि बिचोली हप्सी जम्बूड़ी हप्सी यहाँ पर क्षेत्र आता है, वहाँ पर गोमटगिरी आश्रम पर 46 एकड़ जमीन है। ये 46 एकड़ जमीन जो है गौशाला के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा द्वारा अपना एक लग्जरियस जो है आशियाना बनाया गया, यहाँ पर एक आश्रम बना लिया गया अवैध अतिक्रमण कर, और इसी 46 एकड़ की जमीन पर जो इन्होंने अतिक्रमण बनाया गया था उसको आज जो ढाया गया है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इंदौर से हम बता रहे हैं, जहाँ पर कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी हुई है, 46 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके रखा था कंप्यूटर बाबा ने, और जिस तरह से देखा गया कि पहले बीजेपी के करीबी रहे, फिर जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, और कई तरह की मांगे भी कांग्रेस शासन में उनकी रही हैं, वो उड़न खटोले यानी कि हेलीकॉप्टर की लगातार सरकार से मांग करते रहे, पूरी तरीके से कांग्रेस की पैरवी करते रहे, और इस चुनाव में लोकतंत्र बचाओ अभियान वो छेड़ रहे चुनाव के दौरान, और कहीं ना कहीं 2 महीने पहले जिस तरह से कंप्यूटर बाबा को ये नोटिस दिया गया था, और नोटिस के बाद फिर नगर निगम इंदौर और जिला प्रशासन इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा का जो ये अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, उसको ढहा दिया है। उसके बाद पहले 6 समर्थक उनके आश्रम के गिरफ्तार किए गए, और बाद में कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है।